इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को एमपीओ ऑर्डर्स जारी करने से रोक दिया है। ताहुक्म सानी डीसी इस्लामाबाद 3 MPO का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बारे में मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा समाज शहजाद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, क्या तफसीलात सामने आ रही है? कितनी एमपीओ के तहत जो ऑर्डर जारी करके उनकी गिरफ्तारी की गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से इस हवाले से इंतहाई आम रिमार्क सामने आए हैं। अदालत ने यह इस्तफ्तार किया कि एमपीओ का इख्तियार डीसी इस्लामाबाद किस इख्तियार के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। लाफसर की जानिब से अदालत के सामने जो दलाइल दिए गए उनमें जो है वो 1965 का एक नोटिफिकेशन पेश किया गया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना पड़ेगा। बाकी सुधारकूमत जो है वो कैसे चल रहा है, अदालत ने 3 MPO का जो नोटिफिकेशन है उसका इख्तियार इस्तेमाल करने से डीसी इस्लामाबाद को ताहुक्म सानी रोक दिया है। उनके 3 MPO के तहत जो ऑर्डर जारी करके उनकी गिरफ्तारी की गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से इस हवाले से इंतहाई आम रिमार्क सामने आए हैं। अदालत ने यह इस्तफ्तार किया कि एमपीओ का इख्तियार डीसी इस्लामाबाद किस इख्तियार के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। लाफसर की जानिब से अदालत के सामने जो दलाइल दिए गए उनमें जो है वो 1965 का एक नोटिफिकेशन पेश किया गया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना पड़ेगा। बाकी सुधारकूमत जो है वो कैसे चल रहा है, अदालत ने 3 MPO का जो नोटिफिकेशन है उसका इख्तियार इस्तेमाल करने से डीसी इस्लामाबाद को ताहुक्म सानी रोक दिया है। बहुत शुक्रिया शहजाद।